रमा रमा इस समय ठीक है। हाँ रमा बोलो, बाहर क्या करना आज? अरे नहीं नहीं आज मैं बाहर नहीं खाना खाने वाली हूँ। चीज पिज्जा यार, चीज खा के नहीं, चीज में कहाँ फैट होता है। सही बात है, खाओ चीज खाओ, हमारा है ही वैसे भी वजन बहुत कम है। नहीं तीन चार दिन में क्या होता है, तीन चार दिन चीज खा लोगी तो क्या फर्क पड़ता है। सही बात है, नहीं नहीं मेरा भी हो गया है अभी, देखो बचा अभी रिसेंटली मैंने 50 किलो वजन कम कर लिया ना। हाँ सही बात है बहुत। नहीं तुम्हारा भी तो कितना बताया था, 80 किलो ना। हाँ ये कमी है, अभी खाओ खाओ बाहर ही खाओ। सही बात, भाभी आ रही है? हाँ वही तुम बोल रही थी, 80 किलो के आसपास है उसका भी शायद, है ना। ओहो अच्छा, तो बाद में ही डाइटिंग शुरू करोगी? नहीं नहीं सही बात है, अभी से डाइटिंग शुरू कर लोगी तो उसका भी कहीं वजन कम ना हो जाए। सही बात है, बाद में ही शुरू करना, वेरी गुड, कीप इट अप। बट देख बहन, तेरी तो भाभी आ रही है जो ऑलरेडी मोटी है, ठीक है ना। मेरी बहन आ रही है, उसने तो कम से कम 6-7 किलो वजन कम कर लिया है, थोड़ी शर्म आनी चाहिए मुझे। हाँ नहीं मैं तो प्लीज़, तुम काम करो, तुम चीज़ खाओ, तुम उसको सुनीता को पकड़ लो प्लीज़, मैं नहीं आने वाली हूँ। हाँ हाँ नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे माफ़ करो। हाँ ठीक है, रोज़ रोज़ नहीं नहीं जाओ तुम जाओ, मैं नहीं आ रही। चलो बाय बाय, मैं रख रही फोन, बाय, बहुत काम है मुझे, बाय। हे भगवान, इस लड़की को कौन समझाए, इसका कोई खाने पीने का होता है क्या? रोज़ रोज़ क्या बाहर खाना। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम सा, मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। मिनल्स किचन में तो स्वागत है, बट देखो कितना वहाँ पर बोलते हैं ना, खतरा मंडरा रहा है, आ जाओ बाहर चलना है, ये खाना है वो खाना है। यार क्या चीज़ रोज़ रोज़ खाने की चीज़ है क्या? चीज़ तो है बट रोज़ खाने की चीज़ तो नहीं है ना यार। आज मैं हाई प्रोटीन वाला मस्त छोले मसाला बनाने जा रही हूँ। इट्स वेरी सिंपल और बहुत ही टेस्टी है, और कभी कभी खाना चाहिए यू नो छोले मसाला। तो वैसे हम लोग सब्जी तो बनाते ही है, छोले मसाला बना दिए वो, तो कभी कभी उसको एज अ डाइट भी लेना चाहिए। पता है आपको छोले कितना बहुत ही अच्छा रहता है, जो चने होते हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं। आपको पता है इसको चिकपीस भी कहते हैं इंग्लिश में, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गार्बोंजो बीन्स। और आपको पता है 1 ग्राम अगर आप छोले लेते हो, ये चने लेते हो, तो उसमें कम से कम 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स यू विल गेट, फाइबर फुल ऑफ फाइबर, 13 ग्राम ऑफ डाइटरी फाइबर यू विल गेट, एंड उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इट्स वेरी गुड, 43 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यू विल गेट, सो इट्स वेरी गुड। वी शुड ईट दिस काइंड ऑफ थिंग्स एटलीस्ट हफ्ते में एक बार बना के खाना चाहिए, ना कि बाहर रोज़ चीज़ या कभी कभी ठीक है समझ में आता है, रोज़ रोज़ तो हम नहीं खा सकते, तो कभी कभी थोड़ा सा पेट को थोड़ी शांति दीजिए, थोड़ा अच्छा हेल्दी खाना खाइए। तो आज हम लोग यही बनाने जा रहे हैं, हाई प्रोटीन छोले मसाला। सो इट्स वेरी सिंपल रेसिपी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने ये रेसिपी बनाई है। और अगर आप चाहो इसको ज़्यादा बॉईल, मैंने इसमें थोड़ा सेमी बॉईल किया है, मैंने इसको भिगोया तो है, 6 से 7 घंटे तक इसको मैंने भिगोया है, पर उसके बाद मैंने उसको 15-20 मिनट्स के लिए बॉईल किया है, वो भी पैन में। आप चाहो तो इसको कुकर में भी बॉईल कर सकते हो, आपको अगर थोड़ा एकदम ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो यू कैन डू दैट थिंग। प्लस इसमें मैंने गार्लिक और जिंजर नहीं मिलाया है, इट्स योर विश, इट्स अप टू यू, इफ़ यू वॉन्ट यू लाइक यू कैन ऐड इट। और बहुत ही टेस्टी बना है, उसके बावजूद नींबू आप जितना चाहो उसमें मिला लो, बहुत ही टेस्टी लग रहा था उसकी वजह से, टमाटो एंड अनियंस। सो इट्स वेरी गुड रेसिपी, वेरी हेल्दी रेसिपी, इट्स अप टू यू व्हाट मोर इंग्रेडिएंट्स यू कैन ऐड इट, व्हाट मोर स्पाइसेस यू वांट टू ऐड इट। सो लेट्स सी हाउ टू मेक इट। और अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने को, बिकॉज इसकी वजह से फ़ायदा आपको ये है कि मैं जितनी भी रेसिपी डालूंगी इसमें, न्यू रेसिपीज़ मेरी जितनी भी आएगी, यू विल गेट टू नो दैट कि अभी मैंने क्या न्यू रेसिपी डाली। सो इट्स वेरी हेल्पफुल एंड इट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो, सो लेट्स सी हाउ टू मेक इट। हाई फ्रेंड्स, हाई प्रोटीन छोले मसाला बनाने के लिए मैंने 1 कप छोले लिए हैं, चिक पीस और काले चने लिए हैं, उसको मैंने 6-6 घंटे तक भिगो के रखा था। उसके बाद जो काले चने उसको मैंने स्प्राउट किया है। 1 कप टमाटर लिया मैंने, 1 कटा हुआ टमाटर लिया है बड़ा, और 1 ऑनियन लिया है मीडियम आकार का, उसको भी मैंने काटा है, और 1/2 टेबल स्पून जितना घी लिया है, और हल्दी पाउडर
1/4 टेबलस्पून, जीरा 1/4 टेबलस्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 टेबलस्पून, नमक स्वादानुसार। तो पहले हम जो चने हैं हमारे उसको हम बॉईल करेंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में मैं 2 ग्लास तक पानी डालूंगी। और इसमें छोले डालूंगी। अब इसको 15 मिनट तक हम अच्छे से बॉईल करेंगे जिससे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है हमको। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा इक्वल हो जाए। थोड़ा ही डालना है, 1/2 टेबल स्पून जितना, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 15 मिनट तक थोड़ा बॉईल होने देंगे। तब हम चेक करते हैं कि हमारे छोले कितने बॉईल हो चुके हैं। इसके लिए हम लोग क्या करें, मैंने अभी एक ट्रायल किया था, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक छोले निकाला मैंने और इसको जस्ट चम्मच की सहायता से जस्ट प्रेस, ये देखो ये टूट गया आराम से। तो भी ये हमारा आधा पक चुका है। अब हम इसको बंद कर देंगे और बाकी का जो है अब हम इसको फ्राई करेंगे, तब ये पकाएंगे। तो भी इसी बर्तन में मैं फिर से निकाल देती हूँ इसको। इसको हम घी में ही फ्राई करेंगे। ऑयल से ज़्यादा अच्छा है कि आप घी यूज़ करें, और अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हो तो ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए, इट्स योर विश, बट घी इज़ वेरी गुड यू नो फॉर आर हेल्थ। छोले में आपको पता है प्रोटीन तो होता ही है और साथ में फाइबर भी होता है। अगर आप 1/2 कप छोले लेते हो, चिकपीज लेते हो, सो इट कंटेन्स 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन, सो इट्स वेरी गुड, और आपको साथ में फाइबर भी मिल रहा है फ्री फ्री फ्री। चलो ये हमने पूरे छोले निकाल दिए। तो आप चाहते हो, अगर आप चाहो तो यही पानी फिर से इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं इसको अलग से कंटेनर में निकालूंगी पानी, और यही पानी फिर से उसमें ऐड करने वाली हूँ। तो अब ये पानी मैं इसमें निकाल देती हूँ। ये मैंने पैन रख दिया है गैस पर, गैस ऑन कर दिया है। इसमें अभी ये मैं बटर मिलाने जा रही हूँ, घी मिलाने जा रही हूँ। तो ये हमने इसमें घी डाल दिया 1/2 टेबल स्पून, और इसमें जो हम लोग चॉप देंगे वो जीरे से ही देना है। तो ये घी डालूँगी मैं, बट अभी इसको थोड़ा गर्म होने दो, उसके बाद इसमें मैं ये डालूँगी। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने चाट मसाला यूज़ नहीं किया है। आप चाहो तो इसको थोड़ा चटपटा बना सकते हो चाट मसाला यूज़ करके, क्योंकि मैंने टमाटो लिए हैं तो मुझे लगा कि काफ़ी है, चाट मसाला बहुत ज़्यादा खट्टा लगेगा। सो इट्स योर विश, अप टू यू। आप चाहो तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, वो वैसे भी अच्छा ही लगेगा, नो डाउट। ये देखिए हमारा घी गर्म हो चुका है और हमने इसमें जीरा डाल दिया है। अब हम इसमें ये छोले डालेंगे। हाँ, तो थोड़े थोड़े डालिए। क्या खुशबू आ रही है जीरे की, वेरी नाइस। अच्छा, पहले तो हमने इसमें नमक डाला था फ्रेंड्स, तो वो थोड़ा ही डाला था। अब हम इसमें थोड़ा सा और नमक डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, सॉरी हल्दी डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे। अगर आप लहसुन खाते हो, या अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे लहसुन भी अच्छा लगता है, इसको और टेस्टी बनाना चाहते हो, तो आप लहसुन भी डाल सकते हो इसमें, अदरक भी डाल सकते हो।
ये देखिए क्या मस्त कलर आ गया इसमें। अब इसमें हमें थोड़ा सा ही पानी डालना है बिकॉज ऑलरेडी ये हाफ कुक है, तो सेमी कुक को भी पूरा कुक करने के लिए थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, ओवर कुक नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। This is enough, इतना पानी बहुत है, ये हमने कम से कम आधा कप जितना पानी डाला है, so this much water is enough. Now we'll put lid on it and पानी बाहर नहीं निकले इसलिए हमेशा थोड़ा सा ओपन रखो ताकि एकदम दर 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 करके बाहर नहीं निकले. So let it boil for 10 more minutes. फ्रेंड्स ये पूरा पानी एब्जर्व हो गया है, छोले तैयार हो चुके हैं, ये देखो पूरे सेमी कुक्ड हो चुके हैं, सेमी मतलब ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं, इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है हमको. तो अभी हम इसमें पहले तो गैस बंद करेंगे और इसमें टमाटोज ऐड करेंगे और अनियंस ऐड करेंगे. इट्स जस्ट लाइक अ स्प्राउट्स, तो इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना. और लेमन डालेंगे इसमें. I just forgot to put in ingredients, so half lemon we have taken. Now just mix it. You can decorate with mint leaves, पुदीने की पत्तियों से या फिर coriander leaves. See, very nice color, looks so delicious. So अब हम इसको एक बाउल में लेंगे. सी फ्रेंड्स हमारे छोले मसाले, हाई प्रोटीन छोले मसाला आर रेडी. और आज तो ये मेरा लंच है और आप भी खाओ, इट्स वेरी हेल्दी, वी शुड ईट, लेट्स टेस्ट इट, इट्स यम, बहुत ही टेस्टी. और इसको गर्मा गर्म ही खाओ आप, बहुत टेस्टी लगेगा. Just try it. It's very nice. और अगर आप चाहो तो इसमें और टमाटोज मिला सकते हो बिकॉज इतना अच्छा लग रहा है टमाटो. उसको कच्चा ही डाला है हमने बट बहुत ही अच्छा लग रहा है. और छोले भी इतने अच्छे, उसमें मसाले सिंपल हैं, नो एक्स्ट्रा मसाला, नो गरम मसाला, नो चाट मसाला, ओनली लेमन. आप लेमन और ज़्यादा डाल सकते हो, बहुत ही टेस्टी लग रहा है. एंड जस्ट ट्राई इट, एक बार तो ज़रूर ट्राई करके खाना, इट्स डिलीशियस.